बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर। अब ये कैटेगरी दो कौन कौन सी है, एक है होती है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। इंडस्ट्री जो है वो संबंधित है किससे, प्रोडक्शन यानी उत्पादन से, या फिर गुड्स मटेरियल का प्रोसेसिंग करना, मोटा मोटी गुड्स को यूजफुल कंडीशन या यूजफुल गुड्स बनाना। यूजफुल गुड्स बनने के बाद ही गुड्स कंज्यूम होते हैं कंज्यूमर द्वारा। कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स के अंदर शामिल होती है वो एक्टिविटीज जो जरूरी होती है, नेसेसरी होती है फॉर फैसिलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को सुगम बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो कॉमर्स कहलाई जाती है। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब फैसिलिटीज सपोर्ट, जो कि और बिजनेस को इजी बनाता है, ट्रेड को इजी बनाता है, ट्रेड को सपोर्ट करता है, उनको बोलते हैं फैसिलिटी, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आगे मैं बात करूंगा आपके साथ। तो मोटा मोटी इंडस्ट्री संबंधित है प्रोडक्शन से, गुड्स मटेरियल को प्रोसेसिंग करना, गुड्स को कन्वर्जन करना एक यूजफुल गुड्स के अंदर। कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो गुड सर्विस यानी गुड सर्विस को एक तरह से सेलेबल बनाने की कंडीशन तक जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो कॉमर्स होती है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, बाइंग, सेलिंग, ये सब क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, तो ये सब कॉमर्स में आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री भी तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी को। प्राइमरी इंडस्ट्री करती क्या है, देखो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो एक्सट्रैक्शन करती है एंड प्रोडक्शन करती है किसका, नेचुरल रिसोर्सेस। अगर बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में भी दो इंडस्ट्री होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज पकड़ के बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती क्या है, ये प्रोडक्ट को ड्रॉ करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब निकालती है, बनाती है, कहां से, नेचुरल रिसोर्सेस से बनाती है, उसके बाद सप्लाई करती है बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में। ये प्रोडक्ट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस। उसके बाद अगर बात करें जेनेटिक इंडस्ट्रीज की, तो जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली करती क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री होती क्या है, जैसे ब्रीडिंग प्लांट्स, एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर प्रोडक्शंस। ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स आगे और प्रोडक्शंस के लिए, जैसे पोल्ट्री फार्म, आपको सभी को पता है, डेयरी फार्म एटसेट्रा, ये होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन कौन करेगा, फाइनल कंज्यूमर करता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी किसके लिए, फाइनल कंजप्शन के लिए, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के, जिसके लिए मतलब अदर इंडस्ट्री जो है उसको एक इनपुट के रूप में यूज करती है और उससे कुछ और चीज बनाती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, फाइनल कंजप्शन हो जाएगा, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है वो उनको एज ए इनपुट यूज करके और फर्दर प्रोसेसिंग करके एक नया गुड्स प्रिपेयर करती है।
एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती है, जो एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, या फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इंडस्ट्रीज को एक तरह से क्लासीफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता है जो प्रोडक्शंस करते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो जिसके अंदर जैसे बिल्डिंग्स, डैम, कैनाल, ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो ये एक्टिविटीज कौन करेगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, एक होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक होता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एनालाइज करना कोई चीज को, एक तरह से एक ही मटेरियल से अलग अलग एलिमेंट्स बना देना, जैसे ऑयल रिफाइनरी, मतलब एक लाइट क्रूड ऑयल से एक एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करेगी, गैसोलाइन बना देगी, डीजल फ्यूल भी बना देगी और जेट फ्यूल भी बना देगी। तो एक लाइट क्रूड ऑयल से, यानी एक मटेरियल से उसके सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स बना के अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। तो क्रूड ऑयल से क्या बन गया, जेट फ्यूल भी बन गया, डीजल फ्यूल भी बन गया और गैसोलाइन फ्यूल भी बन गया। गैसोलाइन एक तरह से पेट्रोल होता है, रिफाइंड पेट्रोल। उसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, ये इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कंबाइन करके जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देती है, जैसे सीमेंट। तो आपको पता है कि सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, सेल्स, चॉक, मैरी कंबाइन विद सेल, क्ले, स्लेट, ब्लेस्ट फर्नेस, सिलिका एंड सैंड एंड आयरन, ये सब यूज कर सीमेंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सीमेंट। तो सीमेंट में ये लाइमस्टोन, सेल्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है ये इंडस्ट्रीज किसमें इन्वॉल्व होती है, डैम, ब्रिज, रोड, टनल्स, कैनाल्स, इन सब में ये इन्वॉल्व होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड्स, टनल्स एंड कैनाल्स। उसके बाद टेरिटरी, थर्ड टाइप की इंडस्ट्री, ये सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। टेरिटरी क्या करता है, सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इनको कॉमर्स का एक कंसिडर पार्ट, एक पार्ट माना गया है, कॉमर्स का एक पार्ट माना गया है टेरिटरी, क्योंकि ये सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैंने ऊपर बताया आपको कि कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो इसका मतलब ये क्या होता है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, इससे ट्रेड ईजी बन जाता है। तो टेरिटरी क्या करेगा, सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ऑक्सिलरी ट्रेड, ये एक्टिविटीज ट्रेड को और आसान बनाती है, व्यापार करने को थोड़ा ईजी बना देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसपोर्ट आप सभी को पता है क्या होता है, कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी होती जहां पर, जैसे मान लो अगर मैं टी की बात करूं, टी, तो टी मेनली आपको पता है प्रोड्यूस कहाँ होती है, आसाम के अंदर। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन गुजरात में होगा और महाराष्ट्र में होता है। जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा में होता है। शुगर की बात करें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में होता है, एसो ऑन, इस तरह। तो जो प्रोडक्ट जहां पे प्रोड्यूस होता है, तो ये जो प्रोडक्ट है टी, इसको कहीं और अवेलेबल कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन की।
जिससे कि कंजम्पशन पूरी कंट्री में हो सके, डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट जो कंट्री के अलग अलग हिस्से हैं वहां पर इन प्रोडक्ट को पहुंचा के उसकी। कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोड्यूसर ट्रेडर्सर कंज्यूमर जो होते हैं उनके अंदर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। जो टेलीफोन फैसिलिटी, जो पोस्टल सर्विसेस होती है, ये सब इनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अगर बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो आपको सभी को पता है कि बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अदर एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फंड्स कहाँ से आएंगे, एक बिजनेसमैन जो होता है इन फंड्स को लेने के लिए क्या करेगा, वो कहाँ से लेता है, बैंक से लेता है। तो बैंकिंग जो है ये भी एक बिजनेस को असिस्ट करता है। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो पता है आपको जनरली क्या करते हैं, वो लैंड मनी यानी मनी उधार देते हैं, ओवर ड्राफ्ट कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोन एडवांस देते हैं, चेक कलेक्शन करना, फंड्स को भेजना, ये सब काम किसका है, बैंक्स का है। तो एक तरह से बैंकिंग फैसिलिटीज भी ओजलीज टू ट्रेड का पार्ट है। इंश्योरेंस की बात करें तो बिजनेस के अंदर आप सभी को पता है रिस्क होता है, एक फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग भी होती है, मशीनरी भी होता है, फर्नीचर भी होता है, ये सब प्रोटेक्ट करने होते हैं फायर थेफ्ट अदर रिस्क से, तो इसके लिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर हाउस आप सभी को पता है कि गुड्स बनाने के बाद तुरंत बिकता तो नहीं है, तो गुड्स को बनाने के बाद उसको प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स को एक तरह से स्टोर किया जाता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब इसको सेल किया जाता है, तो एज ए स्टॉक उसको रखा जाएगा। तो उसको रखने के लिए गुड्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाएगा जिससे कि लॉस या डैमेज ना हो गुड्स को। तो ये है ओजलीज टू ट्रेड। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, ये भी असिस्ट करते हैं ट्रेड को। इससे क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, इससे जो प्रोडक्ट होता है वो प्रमोट होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है एक गुड्स को परचेस करने के लिए, और कस्टमर एक तरह से मोटिवेट होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने ट्रेड जो होता है वो होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदना बेचना, वो ट्रेड होता है। और ओजलीज टू ट्रेड मैंने अभी आपको बता दिया, वो एक्टिविटीज जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को फैसिलिट यानी उसको और इजी बनाती है, आसान बनाती है। सर्विसेज ओजलीज टू ट्रेड में क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग। पैकेजिंग क्या होता है, गुड्स को जब बनाया जाता है तो उसको उसके ऊपर पैकेजिंग होती है, ताकि ऐसा तो नहीं कि गुड्स को तुरंत कस्टमर को दे दें, उस अच्छी पैकिंग होती है तभी गुड्स को सेल किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।